हेलो एवरीवन, सी टैट, यू पी टैट और सुपर टैट, या मैं कह सकता हूँ किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जिसमें आपका बाल विकास आता है, उन सभी के लिए आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि संवेग टॉपिक है, इमोशन। ठीक, अब ये नोट्स जो हैं दोस्तों, हैंड रिटन नोट्स हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जोश के साथ और बेहतरीन टॉपिक के साथ ये नोट्स बनाए गए हैं। संवेग टॉपिक है आपका। तो अगर हम लोग संवेग की बात करें, देखिएगा, मैकडूगल 1908 ईस्वी में दिया था। तो अब हम लोग जान लेते हैं इमोशन है क्या। देखिए, इमोशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी मेरे प्यारे साथियों, वो लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से हुई थी। तो आपका पहला प्रश्न तो यही बन गया, ठीक है, कि इमोशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से हुई थी। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है उत्तेजना। क्या होना है? उत्तेजना इसका अर्थ होता है, या उत्तेजित अवस्था इसका अर्थ होता है। ठीक, अब उत्तेजना की अवस्था को क्या कहा जाता है? अब उत्तेजना की अवस्था को संवेग कहा जाता है। उत्तेजना की अवस्था को संवेग कहा जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं संवेग की कुछ परिभाषाएं। एक या दो परिभाषा मैं आपको बताऊंगा, बाकी जो मेन चीज़ है उस पर मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा। ठीक है, संवेग की परिभाषा, सबसे पहली परिभाषा है वुडवर्थ के अकॉर्डिंग। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि व्यक्ति के उत्तेजित अवस्था को ही हम लोग संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं सर? व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को ही संवेग कहा जाता है। एक मैकडूगल है महोदय हैं, मैकडूगल महोदय कहते हैं मूल प्रवृत्तियों के प्रभाव से उत्पन्न उत्तेजना को ही हम लोग संवेग कहते हैं। ठीक, अब बात आती है दोस्तों संवेग कितने प्रकार के होते हैं। तो संवेग जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप लोग बता सकते हैं सकारात्मक संवेग, एक सेकंड होता है आपका नकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग की बात करेंगे तो ऐसे संवेग जो उत्पन्न होने पर स्वयं को या किसी दूसरे व्यक्ति को हानि ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए। जैसे हम लोग किसी पर दया, तो ये पॉजिटिव है, प्रेम पॉजिटिव है, हर्ष पॉजिटिव है, आमोद ये भी पॉजिटिव है। ठीक, और नकारात्मक में आप लोग जानते हैं निगेटिव हो जाएगा, जो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, खुद को भी पहुंचा सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति को भी पहुंचा सकता है। जैसे कि भय, खुद को, घृणा, क्रोध, है ना, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, यह होता है आपका नकारात्मक संवेग। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अब यहाँ से बात होती है शुरू। संवेगों की संख्या को जान लेते हैं। भारतीय विद्वान हैं, भारतीय विद्वानों ने संवेग को दो प्रकार से डिवाइड किया है, रागात्मक संवेग और द्वेषात्मक संवेग। द्वेषात्मक संवेग को हम लोग नकारात्मक संवेग भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय विद्वानों के अनुसार संवेग कितने प्रकार के हैं, आप बताएंगे दो प्रकार के हैं। उसी प्रकार से आपसे पूछेगा सिगमंड फ्रायड के अनुसार संवेग कितने प्रकार के हैं, आप कहेंगे सर दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? सिगमंड के अकॉर्डिंग जीवन संवेग, एक है आपका मृत्यु संवेग। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक नंबर का, मोस्ट लिखेगा। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये बताइएगा इरोस प्रवृत्ति किस संवेग से संबंधित है, मतलब ये किस में आती है? तो जीवन संवेग में आती है आपकी। मृत्यु संवेग में आता है थेनोटस, किसके द्वारा दिया गया था? सिगमंड फ्रायड के द्वारा। विलियम मैकडूगल के अकॉर्डिंग, सॉरी विलियम जेम्स, मैकडूगल नहीं, जेम्स, प्यारे साथियों विलियम जेम्स के अनुसार संवेग दो प्रकार के हैं। एक आपका स्थूल संवेग है, एक आपका सूक्ष्म संवेग है। लेकिन यहाँ पर बात आती है गिलफोर्ड महोदय की, गिलफोर्ड की और रोस की। गिलफोर्ड ने भी तीन प्रकार से डिवाइड किया है संवेग को, रोस ने भी तीन प्रकार से डिवाइड किया है संवेग को। गिलफोर्ड कहते हैं कि तीन प्रकार के संवेग होते हैं, एक प्राथमिक संवेग होता है, गौण संवेग होता है और कृत्रिम संवेग होता है। वहीं रोस महोदय कहते हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इस वाले को लिख देंगे बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये आपका रोस वाला जो है। इसके बाद जॉन ब्राइड वाटसन, वाटसन महोदय कहते हैं कि संवेग की संख्या तीन होती है, जिन्हें हम लोग प्राथमिक संवेग भी कहते हैं। तो जॉन ब्राइड वाटसन के अकॉर्डिंग जो है संवेग की संख्या तीन होती है, भय, प्रेम, क्रोध, जिनको प्राथमिक संवेग के नाम से जाना जाता है। ये भी आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार जो है संवेगों की संख्या कितनी होती है।
क्या आप लोग इसको लिख रहे हैं? लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, वरना आप लोग नोट्स भी मंगा सकते हैं हमसे, ठीक है। नोट्स के लिए नंबर मैं आपको बता दूं, अस्सी सतहत्तर सड़सठ चौहत्तर बत्तीस, ये व्हाट्सअप नंबर है। सी टैट और यूपी टैट के नोट्स आपको 1000 में मिलेंगे, सुपर टैट के 1599 में। होम डिलीवरी रहेगी, पेमेंट करने के 5 दिन बाद आपके नोट्स आपके घर पर मिल जाते हैं। तो इनकी संख्या होती है 4, कौन सा? भय, प्रेम, क्रोध और कष्ट। इन्होंने कष्ट को भी ऐड कर दिया है, ठीक। एंड इसके बाद आते हैं गेट्स महोदय। गेट्स महोदय कहते हैं कि संवेग जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, भय, प्रेम, क्रोध, दया और कामुकता, ठीक। लेकिन यहाँ पर वुडवर्थ की बात करें, वुडवर्थ ने जो है संवेग की संख्या 24 बताई है, ठीक है। कितनी? 24। और इन्हें जो है उपजनक भी कहते हैं, इन्हें संवेग का उपजनक कहते हैं, वुडवर्थ महोदय को। विलियम मैकडूगल के अनुसार इन्होंने मूल प्रवृत्तियों के अनुसार संवेगों की संख्या 14 बताई है। जो आप लोग पढ़ते हैं यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है ना, कि संवेग और मैकडूगल का संबंध आपस में बहुत ज़्यादा घनिष्ठ, मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन पूछने के मामले में, ठीक है। अब इन्होंने सर्वश्रेष्ठ संवेग जो माना है वो भय को माना है। मानव का पहला संवेग इन्होंने भय को माना है। आविष्कार की जननी आश्चर्य, और सबसे अधिक सामाजिक संवेग जो है वो एकाकीपन है, ठीक। चलिएगा, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। 14 जो है मूल प्रवृत्ति और संवेग, ठीक। पहले मूल प्रवृत्ति आती है, फिर संवेग आते हैं, ठीक। मूल प्रवृत्ति जो होती है, मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है, संवेग जो है जन्म के 2 माह के बाद स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर दैन्य की बात आती है, ठीक है, दैन्य या विनीत भाव जो कि मूल प्रवृत्ति है, तो संवेग उत्पन्न होगा अधीनता। संचय मूल प्रवृत्ति आएगी तो अधिकार भावना उत्पन्न होगी, यानी कि संवेग जो होगा अधिकार भावना का होगा। हास का होगा आनंद, जिज्ञासा का आश्चर्य, संवेदना का कष्ट, युतुत्सा का क्रोध रहेगा। इसको बस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। इसमें बस आपको दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से ये है, 14 प्रकार के आपके हो जाते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, संवेगों की विशेषताएं मेंशन करना है आपको। हट भाई, क्या मैसेज वैसे जा रहा है। चलिए दोस्तों, संवेगों की विशेषता देखिए। पहला होगा संवेग अचानक उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला की पॉइंट है कि संवेग जो होते हैं वो हमारे अचानक से उत्पन्न होते हैं। दूसरा है संवेगों की उत्पत्ति मनोशारीरिक भी होती है। तीसरा है आपका कि मनुष्य का प्रथम एवं सर्वश्रेष्ठ संवेग जो है वो भय होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और संवेग कभी भी नष्ट नहीं होते, इतना भी मेंशन कर लेना। संवेग मूल प्रवृत्ति के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, एक इम्पोर्टेंट ये है आपका। आश्चर्य संवेग को आविष्कार की जननी कहा जाता है। और सबसे अधिक सामाजिक संवेग जो है वो एकाकीपन है, पहले मैंने आपको बता भी दिया था। संवेगों की प्रकृति लचीली होती है। संसार के प्रत्येक जीव में कोई ना कोई संवेग अवश्य पाया जाता है, चाहे कोई सा भी प्राणी हो, कोई सा भी जीव हो, इनमें कुछ ना कुछ संवेग तो अवश्य पाया जाएगा। अच्छा साथियों, संवेगों का स्थानांतरण भी हो जाता है। संवेगों का प्रभाव जो है अवस्थाओं के अनुसार भिन्न हो जाता है, यानी कि जैसी अवस्था व्यक्ति के सामने आती है वैसी अवस्था में उसके संवेग बदलते रहते हैं, है ना। संवेग लिंगीय विभेद कहते हैं, यानी संवेग लिंगीय विभेद करते हैं, यानी कि लिंग के अनुसार भी इनका प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। गाय जी, ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग थोड़ा सा हंसेंगे, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता देता हूं। देखिए, मैं जब 12वीं क्लास में था तो हमारे हिंदी के टीचर थे, वो क्या करते थे, भेदभाव करते थे लड़कों लड़कियों में, ठीक है। यानी कि अगर लड़के की एक गलती है तो उसके बाद 5-6 पैनी तो लग जानी थी उसके, और लड़की की 10 गलती भी होंगी, चल बैठ जा, ठीक है। मतलब इस तरह से, तो यहाँ पर संवेग जो है ना बदलते रहते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ, ठीक। और संवेग कभी कभी हमारी रक्षा सुरक्षा भी करते हैं, है ना। संवेग जो है ना कभी कभी हमारी रक्षा करते हैं, सुरक्षा भी करते हैं। ये मैं आपको इम्पोर्टेंट्स बता रहा हूँ संवेग की। संवेग ज्ञात उद्दीपकों से ही उत्पन्न होता है, पहला ये रहा। संवेग जन्मजात होते हैं क्योंकि शिशु में जन्म से उत्तेजना पाई जाती है। संवेग जन्मजात होते हैं क्योंकि शिशु में जन्म से उत्तेजना पाई जाती है। संवेग एक प्रकार की भावात्मक योजना भी होता है। और
सभी संवेगों में आक्रामकता नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है कि जो संवेग होते हैं हमारे आक्रामक ही होंगे, नहीं ना, सब में नहीं होती। अब दोस्तों संवेगों की उत्पत्ति के कारण क्या क्या हो सकते हैं जो कि शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं, यानी कि जो आप लोग संवेगों की उत्पत्ति हो गई और इनसे जो शारीरिक परिवर्तन होंगे वो बताइएगा। सबसे पहले हकलाना तुतलाना, मान लीजिएगा अगर किसी व्यक्ति को भय लग रहा है, उसने चोरी कर रखी है, भय लग रहा है उसको, तो अगर उससे बात करेंगे तो हकलाएगा तुतलाएगा। आवाज़ का भारी कब होगा दोस्तों, आवाज़ भारी तब होती है जब हम लोग रोते हैं, है ना, दुख होता है हम लोगों को। गला सूखना, जब कोई एक आश्चर्यपूर्वक कार्य मतलब बहुत हमें भारी बीत रही हो हमारे ऊपर। हृदय की गति का बढ़ जाना, श्वास का तीव्र हो जाना, शरीर में कंपन होना, कहते ना कि मेरे शरीर कांपने लगा इस आवाज़ इस बात को सुनकर, रोंगटे खड़े होना, पसीना आना, आँखों का चौड़ा होना, ये क्या है दोस्तों, ये संवेगों की जो उत्पत्ति हो रही है और शरीर में हमारे परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। और आँखों का चौड़ा होना ये भी आपके इसमें आ जाएगा, आँखों का संक्रमित अथवा लाल होना, जब गुस्सा आता है ना किसी को आँखें लाल हो जाती हैं, कान का गर्म व लाल होना, जब कोई डर जाता है, किसी को भय लगता है, पेट या कोई शर्माता तब भी ऐसा हो जाता है, पेट में डूबने का भाव क्या होता है दोस्तों, कहते हैं ना कि मेरे पेट में होल हो रही है, गुड़ल गुड़ल हो रही है, तो वो यही है आपका, ठीक है। अब मैं आपको मूल प्रवृत्ति के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मूल प्रवृत्तियों की खोज जो की थी विलियम मैकडूगल ने की थी 1908 ईस्वी में, बत्तख पर इन्होंने प्रयोग किया था मूल प्रवृत्ति का, और इन्होंने जो है मूल प्रवृत्ति की संख्या 14 निश्चित की है जो कि सबके द्वारा मान्यता प्राप्त है। इनका समर्थन दोस्तों गिलफोर्ड ने भी कर दिया था, है ना, तो विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक कहते हैं हम लोग। और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मैं आपको बताऊंगा गाइस, बाकी एक्स्ट्रा बताने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ मूल प्रवृत्ति की विशेषताएँ क्या होती है। सबसे पहला की पॉइंट आपका ये है, इसको इम्पोर्टेंट में लिख लेना, कि मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं, करेक्ट, और इनकी उत्पत्ति मनोसामाजिक होती है, ये भी सही है, इनसे सामाजिक गुणों का विकास होता है, बहुत बढ़िया। संसार के प्रत्येक जीव में कोई ना कोई मूल प्रवृत्ति अवश्य पाई जाती है, जो मैंने अब बताया है, पहले भी बताया था, ठीक है। मूल प्रवृत्तियाँ भी कभी नष्ट नहीं होती, किंतु शिक्षा में इनका परिमार्जन यानी कि सुधार किया जा सकता है। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था इमोशन का, ठीक है, और जो 14 प्रकार के मैंने मैकडूगल के अकॉर्डिंग जो पॉइंट थे आपका मूल प्रवृत्ति और संवेग, वहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे आपके, और मैंने आपको वो सारे दिखा दिए, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप लोग उसका, लेना चाहो तो नोट्स मंगाना चाहो तो नोट्स भी मंगा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नए सेशन में, बाय बाय।